सितंबर 2019 भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा। चांद पर उतर रहे लैंडर का संपर्क भले ही ग्राउंड स्टेशन से टूट गया हो, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का हौसला, उनकी उम्मीदें अभी भी हिमालय की तरह दृढ़ हैं कि आज नहीं तो कल हम इस मिशन को पूरा कर लेंगे। आज भले ही भारत का मिशन मून पूरा ना हुआ हो, लेकिन इस मिशन से दुनिया ने जो इसरो का लोहा माना, वो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम आम और खास लोग इसरो के वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने कविता लिखकर इसरो के वैज्ञानिकों के काम की सराहना की। कुमार विश्वास ने कविता ट्वीट की, लिखा, हमने बढ़कर खोल दिया इस अंतरिक्ष का दुर्ग द्वार, हे चंद्रदेव, लो भारत की मेधा का पहला नमस्कार, जिनके चेहरे में दिखते हैं रामेश्वर के अब्दुल कलाम, इसरो के सभी साधकों को भारत के जन जन का सलाम। इसके अलावा इसरो के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कुमार विश्वास ने संस्कृत में एक श्लोक लिखा, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्य मानः प्रारभ्य च उत्मजनाः न परित्यजन्ति। इस श्लोक का मतलब है कि सामान्य लोग विघ्नों के भय से कोई कार्य आरंभ नहीं करते हैं। मध्यम लोग कार्य आरंभ तो कर देते हैं, किंतु विघ्न आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं। अच्छे लोग कार्य आरंभ करने के बाद बार बार विघ्नों के आने के बावजूद भी उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। गौरतलब है कि लैंडर का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से उस वक्त टूटा जब वो शनिवार तड़के चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा था। इसरो के अध्यक्ष के सीवन के मुताबिक संपर्क उस समय टूटा जब विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले स्थान से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। अभी आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है। इस खबर से इसरो के वैज्ञानिकों में निराशा देखने को मिली। इसरो चीफ के सीवन इतने भावुक हो गए कि रोने लगे, जिन्हें गले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांत्वना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और देश का हौसला बढ़ाते हुए क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए, उसकी जय के लिए जीते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती की जय के लिए जूझते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए जज्बा रखते हैं, और इसलिए मां भारती का सर ऊंचा हो, इसके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, अपने सपनों को समाहित कर देते हैं। साथियों, मैं कल रात को आपकी मनस्थिति को समझता था। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। आपके चेहरे की उदासी मैं पढ़ पाता था, और इसलिए ज्यादा देर
मैं आपके बीच नहीं रुका, कई रातों से आप सोए नहीं हैं, फिर भी मेरा मन करता था कि एक बार सुबह फिर से आपको बुलाऊं, आपसे बातें करूं। इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था, बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाए। मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है, जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे, मैं देख रहा था उसे। मन में स्वाभाविक प्रश्न था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी, मैं देख रहा था उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं है। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच, विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, कभी ऐसा ही कहेंगे। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है, और मजबूत हुआ है, और दृढ़ हुआ है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया, माय साइंटिस्ट फ्रेंड्स, फॉर द लास्ट फ्यू आवर्स द एंटायर नेशन वॉज अवेक। वी वेर अवेक in solidarity, in solidarity with our scientists who had embarked on one of the most ambitious mission of our space program. We came very close
बट वी विल नीड टू कवर मोर ग्राउंड इन द टाइम्स टू कम. एवरी इंडियन इज फिल्ड विद अ स्पिरिट ऑफ प्राइड एज वेल एज कॉन्फिडेंस. वी आर प्राउड ऑफ अवर स्पेस प्रोग्राम एंड साइंटिस्ट. देयर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन हैज एंश्योर्ड अ बेटर लाइफ नॉट ओनली फॉर अवर सिटीजन्स बट ऑल्सो फॉर अदर नेशंस. इट इज द आउटकम ऑफ देयर इनोवेटिव जील that several people have got access to a better quality of life, including better health care and education facilities. India is certain that there will be many more opportunities to be proud and rejoice. Thanks. At the same time, we are full of confidence that when it comes to our space program, the best is yet to come. There are new frontiers to discover and new place to go. We will rise to the occasion and scale never heights of success. To our scientists, I want to say, India is with you. You are exceptional professionals who have made an incredible contribution to national progress. You have given your best always and will give us several more opportunities to smile.